अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, माय नेम इज अहमद रजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गोल्ड अपने एक इंपॉर्टेंट लेवल पर ट्रेड हो रहा है, तो क्या आने वाले दिनों में हमने इसको बाय करना है या सेल ही प्लान करते रहना है? क्योंकि लास्ट वीक से हम इसको सेल कर रहे थे, तो अब आने वाले दिनों में हमने इसको बाय करना है या सेल करना है, फंडामेंटली न्यूज़ क्या कह रही है, टेक्निकल क्या बता रहा है, इन सारी चीज़ों को आज की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फ्यूचर पर और वहाँ पर चलकर चेक करते हैं कि नेक्स्ट वीक कौन कौन सी हमें न्यूज़ नज़र आ रही है। तो ये अगर मैं आपको दिखाऊँ, मंडे वाले दिन कोई भी न्यूज़ नहीं है, ठीक है, बैंक हॉलीडे, ट्यूसडे वाले दिन भी कोई न्यूज़ नहीं है, और वेडनेसडे वाले दिन दो न्यूज़ हैं, कोर पीपीआई एंड पीपीआई 5:30 बजे, ठीक है। वेडनेसडे वाले दिन ही एक और न्यूज़ है, एफएमसी की मीटिंग है 11:00 बजे, ठीक है। थर्सडे वाले दिन अगर देखा जाए तो तीन न्यूज़ एक साथ है 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, कोर सीपीआई एमएम, सीपीआई एंड सीपीआई वाईवाई, ठीक है। ये तीन न्यूज़ एक साथ है 5:30 बजे थर्सडे वाले दिन। और अगर फ्राइडे वाले दिन आते हैं तो फ्राइडे वाले दिन हमें शाम को 7 बजे एक न्यूज़ नज़र आती है, कंज्यूमर सेंटीमेंट। इसके अलावा कोई भी न्यूज़ फ्राइडे वाले दिन भी नहीं है। तो मतलब तीन दिन लगातार हमें न्यूज़ नज़र आ रही है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे कोई भी न्यूज़ नहीं है, तो उसमें वॉलेटिलिटी हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। ये तो हो गई फंडामेंटल। अब चलते हैं हम टेक्निकली एस्पेक्ट की तरफ कि क्या टेक्निकली क्या बता रहे हैं और कहाँ पर हमें बाई करना चाहिए, हमें सेल ही करते रहना चाहिए, ठीक है। ये एक बाई की प्लान हमने बाई की ट्रेड हमने प्लान की थी जुम्मे वाले दिन, मार्केट बंद होने से कुछ देर पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर डबल टॉप से काफ़ी अच्छी रिजेक्शन मिली थी और डबल बॉटम से इसने काफ़ी अच्छे बाउंस किया था। हमने पहले से ट्रेड को प्लान किया था बट ट्रेड में नहीं ले सका, हमारे कम्युनिटी ग्रुप में जो कुछ लोग थे उन्होंने ली थी बट मैं इसको नहीं ले सका था किसी वजह से, ठीक है। परफेक्टली उसने प्ले किया और इस वक्त हमने अगर ली होती तो ये प्रॉफिट में होती, बहरहाल नहीं ली। बट अब हमने नेक्स्ट वीक के लिए प्लान करना है कि कहाँ पर हमने ट्रेड को प्लान करना है, ट्रेड लेनी है तो कहाँ पर लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पर लगेगा और टारगेट हमारा क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों को फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको नए लेवल्स बनाकर दिखाऊं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो तरीकेकार है, वीकली, डेली, फॉरेज, वन एच, इस तरीके से हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पर जाकर चेक करेंगे। बार बार मैं आपको इसलिए बताता रहता हूँ कि हमारा तरीकेकार कि जब आप भी एनालिसिस करने बैठे तो आप भी इस तरीके से एनालिसिस करें, वीकली, डेली, फॉरेज, वन एच, ताकि आपको बड़ी पिक्चर के साथ साथ आपको छोटी पिक्चर भी नज़र आती रहे एंड फिर आप अपनी जब ट्रेड को प्लान करेंगे तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो वीकली पर चलते हैं। वीकली पर चलने के बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि गोल्ड का एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो इस वक्त गोल्ड जहाँ पर स्टॉप हुआ हुआ है, ट्रेड हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो लेवल है तकरीबन ये वाला लेवल, ठीक है, वीकली जोन के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर देखा जाए तो जून 22 तकरीबन तब से ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 27 फरवरी को भी यहाँ से इसने एक बाउंस दिया था इनगल्फ बनाकर, ठीक है। अब दोबारा ये इस लेवल पर ट्रेड हो रहा है और यहाँ पर इसने एक अच्छी कैंडल क्लोज की है, मतलब नीचे से अगर देखा जाए तो विक बड़ी है और बॉडी भी है, ठीक है, एंड काफ़ी अच्छा बाउंस यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक और पैटर्न यहाँ पर बन रहा था और ये पैटर्न था, आई थिंक आप लोगों को याद आ गया होगा कौन सा पैटर्न है, ये बुलिश फ्लैग है। बुल फ्लैग कहते हैं, बुलिश फ्लैग कहते हैं कि ये एक बुल फ्लैग पैटर्न है कि इस पैटर्न से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट बाउंस कर देगी। कोई भी पेयर हो, कोई भी क्वाइन हो, क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, अगर इस टाइप का पैटर्न बनता है, ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से हमें एक बाउंस एक्सपेक्ट होता है। बट अगर देखा जाए तो इस लेवल के अंदर ही वीकली कैंडल क्लोज हुई, अगर इसके बिलो क्लोज होती तो ये जो चैनल था ये इनवैलिड हो जाता, लेकिन फिलहाल ये वैलिड है क्योंकि इसके अंदर ही क्लोज हुई है और यहाँ से हमें बाउंस एक्सपेक्टेड है। एक तो ये वाला लेवल इसने ब्रेक नहीं किया, इस सपोर्ट से बाउंस कर गया और दूसरा इसने इस लेवल के अंदर ही हमें क्लोजिंग दे दी, तो हमें एक कन्फर्मेशन मिल गई कि यहाँ से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने अपनी ट्रेड को प्लान करना है तो हमने सिर्फ बाय की ट्रेड को प्लान करना है, दो चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली वीकली टाइम फ्रेम पर। इसको फिलहाल मैं डिलीट करता हूँ और आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर भी एक चीज़ आपको मैं दिखाऊं, अगर तो ये सेम जोन पर ट्रेड हुआ, ठीक है, रेजिस्टेंस ब्रेक की, सपोर्ट ली, बाउंस किया एंड दोबारा ये इसी जोन में ट्रेड हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो क्या बुलिश साइन मुझे नज़र आ रहा है, एक तो कि कंटिन्यूसली जब इसने रेड कैंडल्स बनाई उसके बाद इसने एक डॉजी के बाद ग्रीन कैंडल के साथ इसने हमें क्लोजिंग दी, वो भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर, ठीक है, जो कि एक बुलिश साइन है। इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर इसने एक बुलिश कैंडल की क्लोजिंग दी। अगर हम देखा जाए तो प्रीवियस दोनों कैंडल के अबव इसने क्लोज किए हैं कैंडल को, तो ये हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमें एक और कन्फर्मेशन मिल गई कि यार यहाँ से बाउंस एक्सपेक्टेड है। कहाँ तक हो सकता है बाउंस, तो यहाँ पर हम लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। हमने वीकली सपोर्ट ड्रॉ कर ली, अब हम डेली पर जाकर इसके लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। एक ये वाली सपोर्ट बनती है, ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए, सपोर्ट के लिए, पहले सपोर्ट थी बट अब यहाँ पर रेजिस्टेंस होगी, तो हम यहाँ पर कहीं पर लेवल्स को ड्रॉ करते थे जो कि बनता है ये वाली, ठीक है, 1879 1880 के करीब, ठीक है। ये हमने सिर्फ एक लेवल ड्रॉ किया। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर।
एग्जैक्टली ये सही लेवल है। अच्छा, एक लेवल तो हमने ये ड्रॉ कर लिया, और एक लेवल मैं जो ड्रॉ करना चाह रहा हूँ वो है ये वाला लेवल भी, 1860 के करीब कर लेते हैं। ये वाली जो विक है यहाँ पर हम अपना कर लेते हैं 1858 या 1860 के करीब, ठीक है। अच्छा, ये लेवल हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको मैं दिखाऊँ कि ये जो लेवल है तकरीबन इसको भी 3 दिन से ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी देख लें, अगर इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी देख लें तो इस लेवल के ऊपर ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर हम एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इज अ रेजिस्टेंस, और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर चेक करते हैं ताकि मज़ीद आपको क्लेरिफिकेशन उसकी मिल जाए। अच्छा, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, या तो मॉडिफाई करना पड़ेगा या तो इसको हम जोन बना लेंगे। मॉडिफाई कर लेते हैं तो ओके हो गया, हाँ परफेक्टली यहाँ से बाउंस किया था, बट इसको ब्रेक करने के बाद फिर ये इसको ब्रेक बार बार कोशिश कर रहा था बट नहीं कर पा रहा, लेकिन यहाँ पर इसने ब्रेक किया एंड अब रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है, रीटेस्ट कर रहा है। अब हमने अपनी ट्रेड को प्लान करना है, हमने अपने लेवल ड्रॉ कर लिए, वीकली सपोर्ट है, डेली सपोर्ट है, कंफर्मेशन मिल चुकी है कि यहाँ से बाउंस एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं कर रहे बट एक्सपेक्टेड है कि कंफर्मेशन के साथ क्या हो सकता है बाउंस, ठीक है। कहाँ तक टारगेट ले सकते हैं, पहले टारगेट 58-60 के करीब, देन दूसरा टारगेट 79 या 80 के करीब, ठीक है। अगर हम इससे छोटा टारगेट लेना चाहें तो एक लेवल ये बनता है जहाँ पर ये पहले भी रुका था 40-45 के करीब आई थिंक, ये वाला, ठीक है, ये वाला लेवल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये वाला तो बहुत छोटा हो जाएगा। फिलहाल ये वाला लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो सपोर्ट थी और बाद में रेजिस्टेंस बनी इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। 30 मिनट पर आता हूँ, 30 मिनट पर आने के बाद एग्जैक्टली ओके हो गया, ठीक है, मैं नीचे की तरफ ब्रेक दिया एंड उसके बाद फिर ये नीचे ही ट्रेड हो रहा था, ऊपर से इसको ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। हमारे लेवल्स ड्रॉ हो चुके हैं 45, 58 and 79, अगर तो हम बाइक की ट्रेड लेते हैं तो। अब हमने बाइक की ट्रेड को प्लान करना है तो किस तरीके से करेंगे, जो मैंने आपको लास्ट बताया था, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि हमने एक ट्रेड को प्लान किया था जुम्मे वाले दिन बट हम ले नहीं सके थे, तो यहाँ पर ये लेवल बन रहा था डबल टॉप के हिसाब से, ये वाला जो एक लेवल था इसका, ठीक है। अब फिलहाल जब मार्केट ओपन होगी तो ये मिड रेंज में होगा, ठीक है, ना ये सपोर्ट पर है छोटे टाइम फ्रेम की, ना ये तो ये रेजिस्टेंस पर, अब ये फिलहाल मिड रेंज में ट्रेड हो रहा है। मार्केट खुलते के साथ ही हमने ट्रेड नहीं करनी, हमने वेट करना है। किस तरीके का वेट करना है, या तो ये इस लेवल पर आए, ठीक है, यहाँ पे जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाता है, ट्रिपल टॉप की रिजेक्शन मिलती है, दोबारा नीचे की तरफ आता है, ट्रिपल बॉटम बनाता है तो यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस हमारा जस्ट थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा, ठीक है, एक तो हमारा ये लेवल हो जाएगा। दूसरा, या तो ये यहाँ पर भी आ सकता है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, अगर मैं लगाता हूँ, मैं अपनी ट्रेड के बारे में बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से ट्रेड करूँगा इसमें। अच्छा, एक ट्रेड यहाँ पर भी बनती है इसकी, यहाँ पर जोन बनाए अगर तो, ठीक है, यहाँ पर एक जोन माइनर से बना देते हैं ताकि आपको मज़ीद देखने में आसानी हो जाए, थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में क्यों। अच्छा, ये अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चेक कर लें या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर चेक कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरीके से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। नंबर वन तो ये बनती है कि शायद हो सकता है कि इसको टेस्ट करें दोबारा, ट्रिपल टॉप बनाए एंड फिर रिजेक्शन दे यहाँ से, और यहीं से दोबारा ये ट्रिपल बॉटम बना के बाउंस कर लें, ठीक है। तो एक ट्रेड हम यहाँ पर प्लान करेंगे जो कि बनती है 1828-1829 के करीब करीब, ठीक है, और हो सकता है कि ये कुछ इस तरीके से करे, इसको मैं फ़िलहाल हटाता हूँ, हो सकता है कि कुछ इस तरीके से करे कि यहाँ पर जाए, ठीक है, ट्रिपल टॉप बनाने के बाद इसको भी ब्रेक कर दे एंड यहाँ पर आ जाए, इस सपोर्ट पर आए 1824 पर आए, फिर यहाँ से दोबारा ये बाउंस करे, ठीक है। तो ये भी हम इस तरीके से भी हम इसको बाय कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे, ठीक है ना। रैंडमली हमने जैसे आए हमने बाय नहीं कर लेना, हमने वेट करना है कंफर्मेशन का, बाउंस होगा क्योंकि अगर टेक्निकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो बाउंस बनता है इसका, वीकली भी सपोर्ट है और अच्छी क्लोजिंग दी है, डेली पर भी सपोर्ट दी और काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है, और प्रीवियस दोनों कैंडल्स को इसने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग के साथ, इसने ग्रीन कैंडल के साथ इसने हमें क्लोज किया, तो बाउंस एक्सपेक्टेड है। एज ए ट्रेडर हम प्लान कर रहे हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है। दो वैल्यू, दो लेवल्स मैंने बनाए हैं, 1828-1829 और दूसरा लेवल जो बनता है 1824 के करीब, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको बाय करूँगा। अच्छा, अगर यहाँ पर बाय करता हूँ तो स्टॉप लॉस मैं इसके ब्लो करूँगा 1822 या मैक्स 1820, ठीक है, इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊँगा, ठीक है। और अगर तो ये यहाँ पर नहीं आता, फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पर नहीं आता और इसके ऊपर ही हमें यहाँ पर एक सेकेंड, अगर ये यहाँ पर आता है इसके ऊपर ही हमें क्लोज करके ऊपर ही चले जाता है तो फिर क्या करेंगे,
तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से प्लान करेंगे कि इसके ऊपर क्लोजिंग का हमने वेट करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसके अबव हमें क्लोज करें 18:34 के ऊपर क्लोजिंग दें तो हम वहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। प्रीवियस कैंडल के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, या स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, मैं प्रीवियस कैंडल या अपने हिसाब से चेक करके फिर वहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। टारगेट स्टिल हमारा होगा 1855, 1858 एंड 1870 या 1880। ठीक है, ये मेरे अपने लेवल्स हैं, अपने टारगेट्स हैं, आप अपने हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन लेवल मैंने बनाए, अगर तो ये इनके नीचे नहीं आता, बाउंस नीचे से नहीं करता, दोबारा ऊपर से ही ऊपर निकल जाता है, तो मैं इस लेवल पर बाई करूँगा ब्रेकआउट के बाद, कन्फर्मेशन के बाद। अब यहाँ पर आने के बाद बाउंस करता है तो फिर मैं कन्फर्मेशन के बाद यहाँ पर बाई करूँगा, एंड अगर ये दोबारा इस लेवल पर आता है तो फिर यहाँ पर मैं कन्फर्मेशन के बाद बाई करूँगा। तीन लेवल 1823, 1828 एंड 1834, इन यहाँ पर कन्फर्मेशन अगर आपको मिलती है तो हम बाई की ट्रेड को प्लान करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एजुकेशनल पर्पज के हवाले से, ठीक है, ये हमने अपना एक एनालिसिस किया है, प्रेडिक्शन नहीं कि एक्जैक्टली मार्केट उसी तरीके से बिहेव करे, आपने अपनी रिसर्च लाजमी करनी है। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से बिहेव ना करे, एक ही कैंडल में आपने टारगेट भी हिट कर दे या एक ही कैंडल में मार्केट डाउन भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ये मार्केट है, हमने सिर्फ अपनी प्लानिंग करनी होती है स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट के साथ, एंड जहाँ पर हमने बाइंग करनी है उन सारी चीज़ों को देख कर हमने फिर अपनी ट्रेड में एंटर करना होता है। सो होपफुली आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा और काफ़ी सीखने को मिला होगा। अगर इस टाइप की सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, हमने अभी बिटकॉइन की एनालिसिस की वीडियो भी बनाई है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर कहीं पर दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसको भी देख लीजिए, क्रिप्टो मार्केट की जो नेक्स्ट मूव है क्या हो सकती है। सो अगर इस टाइप की वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो हमें इस वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाले दिनों में हम मज़ीद इसको इम्प्रूव कर सकें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।